देन व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सारा? आई होप आप सब मस्त होंगे और काफ़ी बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आज के फोटो एडिटिंग हमारा काफ़ी कमाल का होने वाला है, जैसे कि मैंने आप तो मैं इस फोटो एडिटिंग के ट्यूटोरियल में सिखाने वाला हूँ। जस्ट वन क्लिक में आप अपने फोटो को सिंपल फोटो से कुछ इस तरीके का कॉफी डार्क टोन इफेक्ट कैसे ला सकते हो, तो काफ़ी गजब का लग रहा है। तो जस्ट वन क्लिक में आपको मैं कलर टोन इफेक्ट ला के दिखाऊंगा। तो वीडियो को आपको स्टेप बाय स्टेप वॉच करना तभी समझ में आएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर कोई नया आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि सब्सक्राइब करोगे तो जिससे मैं जो भी कंटेंट डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा लिंक इंस्टाग्राम का, तो वहां से जाकर आप फॉलो भी कर सकते हो, कुछ पूछ सकते हो। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं, तो बिना वक्त जाए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला मैं सिंपल वाला फोटो सिलेक्ट कर लूँगा, इसके बाद आपको शेयर वाला आइकन पर क्लिक कर लेना है। तो शेयर वाला आइकन पर आप क्लिक करोगे, इसके बाद आपको क्या लेना है, आपको पोलार ऐप आपको दिखेगा एक, ये वाला पोलार ऐप, तो आपको प्ले स्टोर में से आसानी से मिल जाएगा। अगर मेरा पुराना व्यूवर्स हो तो आपको पता होगा पोलार ऐप क्या है, अगर नहीं पता हो तो चेक दिस प्लेलिस्ट, जाओ चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर लो। तो वन क्लिक में फोटो एडिट करने के लिए आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, तो आपको क्या करना है, इसे पोलार ऐप पर आपको इसे शेयर कर लेना है। पोलार ऐप पर आप शेयर करोगे तो इस तरीके का इसका इंटरफेस ओपन होगा, तो थोड़ा सा आप वेट ऊपर लेके आ जाएंगे। तो जैसे कि ओरिजिनल वाला फोटो हो चुका है, देन इसके बाद आपको प्लस वाला आइकन ऊपर दिख रहा होगा, तो इस पर आपको टैप कर लेना है। टैप करने के बाद आपको इंपोर्ट फॉर फोटोज़ पर क्लिक कर लेना है, ये सीधे आपके गैलरी में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक क्यू आर कोड मैंने बनाया है जो आपको मिल जाएगा, वो आपको तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, आपको एक क्यू आर कोड सेलेक्ट कर लेना है। तो ये वाला आपको क्यू आर कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो 321, तो आप देख सकते हो बूम, एक आप देख सकते हो पहला वाला फोटो और अभी का फोटो, तो आपको कुछ स्कैन मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ आपको स्कैन करना है, फिर अपने फोटो को ऑटोमेटिक रिटच कर लेगा। तो इसके बाद हम इसे ओके कर लेगा, तो देख लीजिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमने सिर्फ फोटो को क्यू आर कोड को स्कैन किया और ये ऑटोमेटिक फोटो रिटच हो चुका है। तो कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल, आई होप आपको मस्त लगा होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आना और कमेंट में बताना आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस पर चाहिए, अगर ये इस पर चाहिए और नेक्स्ट और आपको क्यू आर कोड चाहिए हो तो बता देना, मैं उस पर ट्यूटोरियल लेके आ जाऊँगा। तो अपने तो ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना, ताकि वो भी सीख सके जस्ट वन क्लिक में अपने फोटो को रिटच करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक लिए बाय बाय, वंदे मातरम। और अगर आपको इस फोटो को सेव करना है तो आप डाउनलोड वाला आइकन पर क्लिक करोगे और सेव इन न्यू फोटो पर क्लिक कर लेना, आपका फोटो सेव हो जाएगा।